एक हमको इस बिजनेस में पीएचडी भी करनी है, पीएचडी जब करते हैं तो आगे डॉक्टरेट, डॉक्टर लिख जाता है, डॉक्टरेट हो जाती है। पीएचडी क्या है हमारी इस बिजनेस की? नंबर वन, पी फॉर पैशन, एच फॉर हंगर और डी फॉर डिसिप्लिन। तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नंबर वन, पैशन। पैशन को हिंदी में जुनून कहते हैं, और जुनून के बारे में मेरा एक कहावत है, बोलते हैं ऐसे कि ना तो गर्मी जून में होती है और ना गर्मी ऊन में होती है, और दोनों जब मिल जाते हैं, जूनून, जून और ऊन जब मिल जाते हैं तो गर्मी किस में होती है? जुनून में होती है। समझ आ रहा है? जुनून क्या है, किस लेवल का जुनून चाहिए इस बिजनेस में? जुनून चाहिए कि रात हो गई, दिन हो गया, पता नहीं होना चाहिए क्या है, अच्छा है, खाया है, पिया है, इस तरीके का जुनून। कब कब होता था ये जुनून आपको मैं याद दिलाता हूं, बचपन में ये जुनून कब था आपको? आप में से कितने बच्चे ऐसे थे जो खेलने में इतने मशगूल हो जाते थे कि माँ बुलाती थी, जब बोलती थी बेटा खाना खा ले, तब हमको याद आता था कि यार आज खाना नहीं खाया यार। था क्या बचपन में कभी आपके साथ था ऐसा? Yes. याद है आपको? Yes. कभी भी, जब भी रहा हो, कि हमको पता ही नहीं चलता था कि खाना खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, और एक जुनून था, हाई लेवल का जुनून था। बोला जाता है सफलता के लिए एक स्लोगन है कि या तो आप अपने जुनून को अपना प्रोफेशन बना लो, और या जिस प्रोफेशन में हो उसको अपना जुनून बना लो। जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करोगे प्रोफेशन या जुनून में, तब तक आप सफल नहीं हो सकते जीवन। समझ आ रहा है? Yes. जो जुनून है, जैसे अब मैं याद दिला रहा हूं आपको, सचिन जो है, हमने भी गली का क्रिकेट खेला, सचिन ने भी गली का क्रिकेट खेला। हमने गली में क्रिकेट खेला तो हम अपने वो जो कपड़े धोते थे, क्या बोलते थे उसको, पीटना, मोंगरी, उसको लेके जाते थे और खेलते थे। लेकिन सचिन ने भी खेला, हमने भी खेला, हम में से सब लोग हैं यहां पर जिसने क्रिकेट ना खेला हो, ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में हर बच्चा बड़ा होते समय कुछ ना कुछ किसी भी लेवल का खेले, लेकिन क्रिकेट जरूर खेलता है। लेकिन सारे सचिन और विराट क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो जुनून को प्रोफेशन नहीं बनाते। क्या नहीं करते? जुनून को प्रोफेशन नहीं बनाते हैं। और जो आदमी अपने जुनून को प्रोफेशन बना लेता है, उस आदमी की लोग पूजा करते हैं। तो या तो आप अपने जुनून को प्रोफेशन बना लो, जैसा कि हम कर नहीं पाए, हो सकता है हमको सिंगिंग में जुनून था, हो सकता है हमको क्रिकेट में जुनून था, हो सकता है हमको लेखन में जुनून था, हो सकता है हमको कुछ और जुनून था, डांसिंग वगैरह कुछ और जुनून था, लेकिन हम उसको प्रोफेशन नहीं बना पाए। लेकिन अभी गलती से जिस प्रोफेशन में आ गए, सेफ शॉप में, अगर इसको जुनून बना लें तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes! या तो जुनून को प्रोफेशन बना लें, या जिस प्रोफेशन में है उसको जुनून बना लें। सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक इन दोनों का कन्वर्जन नहीं होगा, या तो जुनून का प्रोफेशन में, या प्रोफेशन का जुनून में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes! तो इसको जुनून की हद तक करना पड़ेगा। जुनून की हद तक कैसे? सुबह कितने बजे निकलना है आपको तय करना पड़ेगा, रात को कितने बजे घर में घुसना है वो तय करना पड़ेगा। आप नौकरी, कोई काम करते हो उसको करो, मैं मना नहीं कर रहा उसको करने की, लेकिन उसके अलावा आपको इसका रोज ध्यान देना पड़ेगा, इसको जुनून की हद तक करना पड़ेगा। और अमीर आदमी बनने के लिए आसानी से नहीं बनता आदमी अमीर, बहुत कुछ करना पड़ता है। Yes. तो कितने लोग इसको पैशन बना सकते हैं? पैशन के साथ करेंगे आज के बाद पीएचडी। पीएचडी समझ में आ रही है? पैशन के साथ कर सकते हैं। पैशन के साथ करने का एक मतलब है कि आदमी एक ध्येय तय करे अपने लिए, जीवन में एक लक्ष्य बनाए, और वो लक्ष्य को जब तक पा ना ले तब तक उसके पीछे पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा से लगा रहे, तो उसको बोलेंगे हम कि वो पैशन के साथ कर रहा है भाई। तो कुछ आप अपने लिए तय करो, जितने भी लोग चाहते हो, अपने नाम से एक कार आपकी होनी चाहिए, होनी चाहिए कभी? Yes! कितने लोगों पे नहीं है खुद की कार अपने नाम से, अपने पापा की है वो अलग बात है, या घर वालों की है वो अलग है, खुद की, अपनी खुद की होनी चाहिए। Yes! तो उसके लिए कुछ टारगेट बनाओ कि भाई मैं इस उम्र में या इस लेवल तक तब तक आऊंगा जब तक मैं अपनी खुद की कार खरीद दूंगा इस बिजनेस से। फिर खुद के नाम का मकान है ना, रजिस्ट्री पे किसका नाम होना चाहिए? अपना। पैशन के साथ करना है, समझ में आ रहा है? हंगर, हंगर क्या है? हंगर को भूख कहते हैं, भूख। भूख बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करवाने के लिए। मैं उस टाइम अपनी गरीबी को दोष देता था जब मैं गरीब था, लेकिन अभी दिन बदल गए, अब मैं अपनी गरीबी को धन्यवाद देता हूं। उस टाइम क्या देता था? गरीबी को दोष देता था, और बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट रहता था। उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी आजकल क्या सोचता हूं कि गरीब होना आदमी के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है,
क्योंकि गरीबी से बढ़िया शिक्षक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जो वो सिखाती है वो इतना गजब का सिखाती है कि अच्छी अच्छी किताबें अच्छे अच्छे प्रोफेसर नहीं सिखा सकते जो गरीबी सिखाती है कि नहीं। और थैंक यू वेरी मच। और भगवान ने ये जो गरीबी है वो हमको दे रखी है कि नहीं? Yes. इसका मतलब हमको खुश हो जाना चाहिए, एक बढ़िया पर्सनल प्रोफेसर हमको दे रखा है भगवान ने रोज सबक सिखाने के लिए। Yes. है कि नहीं? Yes. और अब वो मेरे पास नहीं है। हंगर बहुत ही जरूरी है जीवन में आगे आने के लिए। आपको है प्रॉब्लम, है परेशानी है कुछ? Yes. बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है वो। तो हंगर रखना PhD के लिए, P फॉर फैशन, H फॉर हंगर, और D फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट सफलता के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब काफी लोग ऐसे बोलते हैं, घड़ी से उठो, घड़ी से काम करो, सब काम को एक्यूरेट टाइम पे करो, एक्यूरेट तरीके से करो, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। मैं नहीं मानता। मैं क्या मानता हूं, जिस भी प्रोफेशन में आप हो या जिस काम से आपकी जिंदगी बनने वाली है उसके लिए 2-4-5 बातों का सिर्फ डिसिप्लिन रख लो, बस बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे समझते हैं, अगर मैं डॉक्टर होता तो मेरा जरूरी था कि मैं टाइम पे क्लिनिक जाऊं और टाइम पे क्लिनिक से वापस आऊं, ये डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट था कि नहीं? Yes. बाकी मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, कहां रह रहा हूं, कैसे रह रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता? No. नहीं। जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको 2-3 डिसिप्लिन का पालन करना उस प्रोफेशन में आगे जाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes. जैसे आप इस बिजनेस में हो, डायमंड बनने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कम से कम क्या क्या तय करना चाहिए अपने जिंदगी के लिए कि मैं सुबह कितने बजे इस काम के लिए निकलूंगा, अगर आप फुल टाइमर हो तो। और अगर आप पार्ट टाइमर हो तो जो भी आप जॉब वॉब पे जाते हो उसको जाने के बाद आप इसके लिए पर्टिकुलर टाइम रोज निकालोगे, कौन सा समय होगा वो तय करो अपने आप से। और उस समय के बीच और इस काम के बीच कोई बीच में आना नहीं चाहिए आपके, वो डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि रोज अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, अगर मैं राइटर बनना चाहता हूं, अगर मैं रोज एक पन्ना ना लिखूं तो मैं कभी किताब नहीं लिख पाऊंगा। मैं अगर रोज कोई काम नहीं करता हूं तो इसका मतलब कुछ भी हो नहीं सकता है, बोलो आप। Yes. कोई भी काम की ताकत, जो भी आज बड़ी बिल्डिंग बनी है, जो भी कोई बड़ा आदमी बना है दुनिया में, जिसने भी आज कुछ भी किया है, उसके छोटे छोटे डिसिप्लिन भरे स्टेप्स जो थे उसके कारण वो आज वहां पे पहुंचा है। Am I right or not? Yes. इसलिए आपको भी इस बिजनेस में कुछ कुछ 2-4-5 डिसिप्लिन की जरूरत है। Yes. तो नंबर 1 है कि आप इस बिजनेस के लिए शाम, अपनी रात या शाम कैसे बिताते हो। ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास शाम फ्री होती है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मैक्सिमम कितने टाइम तक खत्म हो जाती है? 6-7 बजे। अब अगर आपकी शाम, कल की शाम, आज की शाम हो या कल की शाम जो होगी या अगले महीना मार्च की जितनी सारी शामें होंगी, अगर उसमें से मोस्टली शाम फालतू के कामों में बीत रही है, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारी के कामों के साथ, सब्जी लाने में, सिलेंडर भरवाने में, दूध लाने में और चीजों में आपकी शामें जा रही हैं, और आप ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हो हमसे कि सर मैं बहुत कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सबसे पहले खुद को दगा दे रहे हो, दूसरा परिवार को दगा दे रहे हो, फिर उसका बाद तीसरा जो बचे कुचे हमको भी दे ही रहे हो। हमें दोगे तो फर्क भी क्या पड़ेगा, खुद को देना नहीं देना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? Yes. तो एक पर्टिकुलर टाइम क्या हम इस बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं जिंदगी से? Yes. मैंने कैसे समझा है समय को, हर आदमी को 6-8 घंटा सोने की जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए, वो हम करते ही हैं जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई आदमी, और 2-1 घंटे दिन में भी मार लेते होंगे हम, एक्स्ट्रा सोते होंगे लेकिन कम नहीं सो सकते कभी, ऐसा होता है कि नहीं? Yes. यानी ऑलमोस्ट सारे लोग 6-8 घंटा लगभग सोते हैं, वो गए 8 घंटे निकाल दो जिंदगी से, 8 घंटा आदमी कोई ना कोई काम करता है, अगर नौकरी पानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, 16 घंटे गए जिंदगी के। Yes. 4 घंटे खुद को मेंटेन करने में, आने जाने में, रेड लाइट पे खड़ा होने में, इधर उधर कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। यानी प्रोडक्टिव हावर जो जिंदगी में होते हैं कुछ भी बदलने के लिए, वो होते हैं सिर्फ ओनली 4 आवर्स। समझ आ रहा है? Yes. हर आदमी की जिंदगी में प्रोडक्टिव हावर कितने हैं? 4 घंटे सिर्फ, कुछ भी बदलने के लिए। इन्हीं 4 घंटों में सचिन ने सचिन बनाया है, सचिन को सचिन बनाया है, इन्हीं 4 घंटों में विराट को विराट बनाया है, इन्हीं 4 घंटों ने जो भी बड़ा आदमी बोल लो, बाबा रामदेव, जो भी आपकी नजर में हो, उन्हीं 4 घंटों ने उस आदमी को इंपॉर्टेंट आदमी बनाया है। इन 4 घंटों को एक आम बेवकूफ आदमी जो जिंदगी में कुछ ना करना चाहता हो वो टीवी के सामने बिताएगा, सोशल मीडिया पे बिताएगा, गप्पबाजी में बिताएगा, इधर उधर की चीजों में बिताएगा,
फालतू बिताएगा, ज्यादा आराम करेगा और चीजें करेगा, और जिस आदमी को कुछ बड़ा करना है वो इन चार घंटों को अपने उस प्रोफेशन में बिताएगा। समझ आ रहा है? Yes. और ये चार घंटे ही सिर्फ जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप खुद चेक कर लो, सेल्फ चेकिंग अपने खुद के ऊपर लगा लो, क्या ये चार घंटे ईमानदारी से आप इस धंधे को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? Yes. जितने लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं दे रहा हूं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, जो नहीं दे रहे हैं तुम्हारा भगवान मालिक है। समझ आ रहा है? Yes. कोई कोई फुल टाइमर है जिसको नौकरी नहीं है, कुछ काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, उसको ये चार जो है वो आठ और जोड़ के कितने हो जाते हैं? बारह। कितने? बारह। बोल नहीं रहे आप लोग? बारह। अब बारह के बारह तो दे नहीं सकते क्योंकि हम कंजूस भी हैं, तो उनको कम से कम सात आठ घंटे कम से कम अपने इस काम में लगाने चाहिए। चार नौकरी वाले इंपॉर्टेंट, चार अपने वाले इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? Yes. इस आठ घंटे से ज्यादा आप मत भी करो, मैं बोल रहा हूँ आपको, मजे लो, जिंदगी जियो, जो करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. लेकिन जो इम्पोर्टेंट आवर हैं, क्या उनको अगर हम तरीके से दे रहे हैं तो मेरे को लगता है हम लोग इस बिजनेस के डिसिप्लिन में हैं। सही है? Yes. इसके डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। फिर डिसिप्लिन में क्या है और चीजें, कि डिसिप्लिन के हिसाब से आपको थोड़ी सी अपनी जिंदगी को भी उसी तरीके से लाना पड़ेगा। क्या क्या लाना पड़ेगा? आज मेरे को लगता है अमीर बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के वक्त में अमीर बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या पैसा वाला होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है या स्वस्थ होना इम्पोर्टेंट है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं ये बात, लेकिन जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, कोई सीरियस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनसे आप पूछ के देखो कि उनके पैसा कितने काम आ रहे हैं उनके, या जमीन जायदाद कितनी काम आ रही है, कुछ नहीं आ रहा उनके काम। उनको सिर्फ एक ही बात लग रही है, यार मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मैं हेल्दी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी होना, देन इंपॉर्टेंट है आपका पैसा वाला होना। है ना, अंग्रेजी की एक कहावत है बहुत पुरानी, हेल्थ इज वेल्थ, सुनी होगी आपने। हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपना हेल्थ पे ध्यान दो और इस काम को करो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ। हम लोग 16 साल से डिसिप्लिन की जिंदगी जी रहे हैं तो आज आपके सामने हैं, और जो चीज करनी चाहिए उनको कर रहे हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए उनको नहीं कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन आपको इस बिजनेस के लिए लाना है। कितने लोगों को पूरी पीएचडी समझ में आ गई? P for पैशन, H for हंगर, हंगर आपकी भूख, आपकी भूख, और D for डिसिप्लिन। भूख क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बार महाराजा अकबर ने अपने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया और उनको दावत दी, और पूरा महाराज सम्राट अकबर जब दावत दें तो किस तरीके की लेविस दावत होगी, बहुत ही सब पकवान बनाए गए, इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई, दूर दूर से सारे सुपर चीजें बनाने वाले सारे लोग बुलाए गए, जहां जहां का जो जो फेमस था वो सब कुछ लाके इकट्ठा किया गया, और बहुत इंतजाम के साथ सारे लोग बुलाए गए और सब बैठ के खाना खा रहे थे, और बीरबल जो है वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, काश वो होती, 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 ऐसे बोल रहा था। तो अकबर जैसे निकल के जा रहे थे तो गुनगुना रहा था काश वो होती, तो उन्होंने बोला यार इतना सब कुछ है कौन, काश वो होती कौन? बोला काश भूख होती, काश भूख होती। समझ आ रहा है? Yes. तो भूख अगर आपके जिंदगी में है कुछ करने की, पाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो बोलो कोई ताकत है दुनिया में जो रोक ले? No. और नहीं है तो कोई इंजेक्शन है जो भूख पैदा कर दे? अगर हो तो मैं बेटे को लगा दूं, अपने को दे देना मेरे को। है क्या? No. नहीं है, नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को पूरा समझ आ गया? पीएचडी पी फॉर पैशन, पैशन मतलब जुनून की हद तक। जैसे आप गेम खेलने में बहुत बिजी हो जाते थे, क्रिकेट खेलने में बहुत बिजी हो जाते थे, इसमें मेरे साथ कई बार होता है, मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मैडम चाय रख गई, जैसे अभी रख गई, मैंने पी नहीं, खराब हो गई, फिर वो बोलेगी अरे मैं इतनी देर पहले तो मैं चाय दे के गई थी, पी नहीं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला तू कब रख के गई थी। समझ आ रहा है? अगर आप किसी काम में मशगूल हो, करने में इतने व्यस्त हो, या इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हो कि आपको बाकी की इधर उधर का ध्यान नहीं है, इसका मतलब वो काम आपका जरूर सफल होने वाला है, क्योंकि आपको उसके लिए पैशन है, अंदर से बहुत ज्यादा पैशन है। थैंक यू वेरी मच।